अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे सब्जी का सालन और पूरी। इसके लिए जो हमारे पास सब्जी थी हमने लिया है, यह है मटर, आलू, गाजर लिया है हमने। यहाँ पर आप यह हमने प्याज और टमाटर को काट लिया है बारीक। हम एक प्याज और दो टमाटर हमने यहाँ पर बारीक काट लिया है। अब हमने फ्लेम को ऑन करके इसमें हमने डाला है एक चम्मच आयल। आयल गरम होते ही इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को थोड़ी देर हम पका लेंगे इस तरह से। हम प्याज को थोड़ा नरम कर लेंगे, फिर हम डालेंगे टमाटर। प्याज और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे सारी सब्जी, मूली, गाजर, आलू और मटर हमने इसमें डाला है। और हमने डाला है एक चम्मच मिर्ची पाउडर और हाफ स्पून नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। और यह है चिकन मसाला, इसको भी हम इसमें थोड़ा डाल लेंगे। आपके पास जो भी चिकन मसाला हो जिससे आप चिकन पकौड़ा बनाते हो वो डाल सकते हो, क्योंकि इस सालन में टेस्ट रहता है। ये देखिए फिर हम डालेंगे कोथमीर। कोथमीर डालकर इस तरह से हम इसको पका लेंगे। हमारा सालन एक विजिल पर पक चुका है। ये देखिए ये हमने बनाया है पूरी और फुटाने की चटनी। ये बहुत टेस्टी रहता है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।